हमने के यहाँ क्या बनता, हमने के यहाँ बनता, हमने के यहाँ बनता जवान लेकिन के मजदूरी मजदूर बनावल जाता है। भाई भाई 100 मजदूर चाहिए तो कहता जा बस भेजा बिहार से मजदूर भर के ले आओ। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार, देवताओं को भी आकर यहाँ बिहार की धरती पर ज्ञान मिला है कि भैया ये व्यवस्था बदली तबे सुधरी, कोई दूसर ना सुधारी, हमनी के ना जागल जाए तो हमनी के लेकर के कोई ना सुधार सके। चुनाव हो फिर आई फिर 56 इंच के सीना, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान अब पुलवामा कोई या फिर हमने के जाके जो बटन दबा दिया तो फैक्ट्री लगा क्या जरूरत है भाई, अगर बात समझे हमने कितना पूर्वक मानी जा। नमस्कार, आप फ्लैक्स सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। जन सुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार और बिहार के लोगों को एक करने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों से बिहार के वास्तव स्थिति को रूबरू करवा रहे हैं और उन्होंने कई बार कई लोगों के बीच में जाकर के बिहार की स्थिति को भी स्पष्ट किया है। और इस बार फिर से जब पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर बोल रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार की व्यवस्था ने यहां के लोगों को कैसे पलायन करने पर मजबूर कर दिया है, किस प्रकार यहां की व्यवस्था के चलते बिहार जो है मजदूर सप्लायर बन गया। सुनिए, देखिए हमने के गांव में मोटरसाइकिल चला, लेकर मोटरसाइकिल चलाता है ना, मोटरसाइकिल हमने चलाते हैं, जब बनत कहां बा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में महाराष्ट्र में, रवा घर बनावता नहीं, ईटा लागत में सीमेंट लागता स्टील छड़ लागता, सीमेंट कहाँ बनता मध्य प्रदेश में, रवा गाड़ी चलावता नहीं गाड़ी कहाँ बनता गुजरात में तमिलनाडु में, टीवी रवा घर में देखता नहीं रेडियो सुनता नहीं कहाँ बनता ये बनता मध्य प्रदेश में बनता राजस्थान में तेलंगाना में, आ हमनी के यहाँ क्या बनता, हमनी के यहाँ बनता, हमने के यहाँ बनता जवान लेकिन के मजदूरी मजदूर बनावल जाता है। जेकरा देश भर में जरूरत बाए भाई 100 मजदूर चाहिए तो कहता जा बस भेजा बिहार से मजदूर भर के ले आओ। बन बात सर बिहार के आदमी लेबर के सप्लायर बना दिले बा, जेकरा मजदूर चाहिए तो जा बिहार से पकड़ के ले आओ 100 गो। बन बात ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार, देवताओं को भी आकर यहाँ बिहार की धरती पर ज्ञान मिला है। व्यवस्था का देखिए कि व्यवस्था ने आज हमको आपको यहाँ का लो ग्रेड लेबर सप्लायर बना दिया है, स्थिति बदलना चाहिए। आपके लड़के जिंदगी भर मजदूर न रहे उसके लिए पदयात्रा करने निकले हैं कि भैया ये व्यवस्था बदली तबे सुधरी, कोई दूसर ना सुधारी, हमनी के ना जागल जाए तो हमनी के लेकर के कोई ना सुधार सके। गुजरात में एगो शहर बा सूरत, इस बात को सुनिए याद रखिएगा, गुजरात में एक शहर है सूरत जहाँ बिहार का 500,000 लड़का मजदूरी करता है, समझी की वजह कितना फैक्ट्री हुई, 500,000 बिहार के आदमी वजह मजदूरी करता। मोदी जी सूरत में फैक्ट्री लगावता है तो दो चार को फैक्ट्री बिहारे में लगा देते, हमनियों को लेकर के नौकरी लग जाए तो रोजगार लग जाए। मोदी जी बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं लगा हुआ, जब सूरत में लगाओ तो बिहार में लगा देते, बिहार में ऐसे निकल लगाओ कि उनको मालूम बा कि बिहार में फैक्ट्री लगावे की जरूरत का बा। चुनाव हो फिर आई फिर 56 इंच के सीना, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान अब पुलवामा कोई या फिर हमने के जाके जो बटन दबा दिया तो फैक्ट्री लगावे क्या जरूरत है भाई, अगर बात समझे हमने कितना पूर्वक मानी जा। 26 MP का राज्य है गुजरात, गुजरात से 26 गो लोकसभा के MP जीत के जा, तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, आ हमने के बिहार में 40 गो MP जीता के भेजले बानी जाता, हमने के लड़का हो गया फैक्ट्री में मजदूर, आ हमने के बुझा तंजा की बड़ा चालाक। तो सुना आपने प्रशांत किशोर कई सारी बातें कर रहे थे, वो लोगों को समझा रहे थे और भोजपुरी में ही, जो कि पश्चिम चंपारण के इलाके में आपको पता है कि भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है, तो उसी अंदाज में प्रशांत किशोर लोगों को समझा रहे थे, प्रैक्टिकल वे में समझा रहे थे और बता रहे थे कि देखिए बाइक आप और हम चलाते हैं लेकिन उस बाइक की फैक्ट्री कहां है, आप देखिए साइकिल चलाते हैं लेकिन साइकिल की फैक्ट्री कहां है। कई सारी चीजों का उदाहरण देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे यहां लोग हैं लेकिन काम करने बाहर जाते हैं, यहां की व्यवस्था ने बिहार मजदूर सप्लायर बनाकर रख दिया है।
बड़ी सारी बातें प्रशांत किशोर इस दौरान और भी बोल रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने आप सभी ने सुना है। तमाम तरह की बातें जनसुराज यात्रा पर जब से निकले हैं प्रशांत किशोर तमाम तरह की बातें करते हैं, और यह भी उन्होंने इस दौरान कहा है कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है और यहां पर देवताओं तक को अवतार लेना पड़ा है। लेकिन आज स्थिति देखिए कि बिहार जो है मजदूर सप्लायर के रूप में जाना जाता है, कहीं भी 100-200 मजदूर चाहिए तो जाओ भाई बस भेज देते हैं बिहार से बुलाकर लेके आ जाओ, यही बातें बाहर में चलती हैं। और यही कारण है कि बिहार की व्यवस्था के कारण लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, बिहार की व्यवस्था नहीं बिहार को मजदूर सप्लायर बनाकर रख दिया। बड़े रहे लाइव सीरीज के साथ, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।